हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 लेकर आई हूँ बच्चों। और ये 9 तारीख की वर्कशीट है आपकी, 9 अगस्त की। तो बच्चों, इसमें क्या है, मानसरोवर झील के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके ऊपर एक कविता लिखी गई है, कवि ने उसके ऊपर एक कविता लिखकर हमें उसकी व्याख्या बताई गई है, ठीक है। तो बच्चों, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ, जो कि कबीर दास जी द्वारा लिखी है कविता, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन वाला है, और इसमें चार ऑप्शन है। लिखा है, सुभर जल से क्या तात्पर्य है। आंसर है ऑप्शन क, सुंदर जल, ख, भली प्रकार भरा हुआ जल, ग, स्वादिष्ट, और घ, जल। तो इसका ऑप्शन वाला ऑप्शन नंबर ख जो है सही आंसर है, भली प्रकार से भरा हुआ जल। प्रश्न नंबर दो है, हंसा किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन ए है पक्षी का, हंसने का, ईश्वर का, या घ जीवात्मा का। तो इसका ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही आंसर है। प्रश्न नंबर तीन है, यहाँ विष से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है बच्चों विशेष, बुराइयाँ, सर्प का विष, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों ख वाला, बुराइयाँ। अब प्रश्न नंबर चार है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है। तो इसका आंसर कर लेते हैं, आंसर है ईश्वर तथा ईश्वर के भक्त दोनों के लिए प्रेमी शब्द का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर पाँच है, मानसरोवर से क्या आश्रय है। मानसरोवर के यहाँ पर दो आश्रय हैं, पहला ईश्वर और दूसरा ईश्वर की भक्ति में लीन भक्तों का मन, ओके। प्रश्न नंबर छः जो है बच्चों आपकी गतिविधि है। तो लिखा है गतिविधि, गूगल मैप में मानसरोवर झील को खोजें और उस पर एक अनुच्छेद लिखें। तो लिखा है बच्चों, कैलाश पर्वत तिब्बत पर स्थित पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। मानसरोवर संसार की पवित्रतम तथा बृहत्तम आकर्षक झील है, जिसका वर्णन प्राचीनतम ज्ञान सभ्यताओं द्वारा वर्णित है। इसके आगे और है बच्चों, हिंदू धर्म में से पवित्र माना जाता है। इसके दर्शन के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेते हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ था। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस कथा सरोवर को मिलाकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का सरोवर। बौद्ध धर्म में इसे बहुत पवित्र माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान यहीं से हुई थी। जैन धर्म तथा तिब्बत के स्थानीय लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।